हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त है जो कि पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल साइंसेस को बेस्ड ऑन भगवद गीता वेदास बड़ी दक्षता के साथ बड़ी एक्सपर्टीज के साथ समझा रहे हैं सिखा रहे हैं। मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं प्रभु जी को एक्सप्लेनिंग द स्पिरिचुअल साइंसेस टू एवरीवन। सो मेरे भी स्पिरिचुअल टीचर हैं राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मैंने प्रभु जी से बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ और लाइफ लॉन्ग सीखता रहूंगा। सो प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी। सो प्रभु जी आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु जी कि अगर आप क्रेडेंशियल्स देखेंगे, ओ माय गॉड, अमेजिंग क्रेडेंशियल्स। द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही इज डूइंग टू द वर्ल्ड इज रियली ऑसम। प्रभु जी टेडेक्स स्पीकर भी हैं और टेडेक्स के साथ साथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हो, वेदर दैन यूनेस्को, इंटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, कैम्ब्रिज एंड द जर्नी गोज ऑन। यहाँ पे जाते हैं प्रभु जी, एड्रेस करते हैं वहाँ पर लोगों को। साथ ही भगवद गीता के ऊपर प्रभु जी की एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे मोर देन 4000 आर्टिकल्स हैं बेस्ड ऑन श्रीमद भगवद गीता। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों को 4000 आर्टिकल्स में प्रभु जी ने बड़े सुंदरता के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही एक और वेबसाइट है, उसका नाम है thespiritualscientist.com। इस पर भी आप जा सकते हैं, इस पर 8000 क्वेश्चंस के आंसर किए हुए हैं। 8000 क्वेश्चंस ही अगर कोई सोच ले, यही बहुत बड़ी बात है। उनके आंसर देना, उनमें से कईयों के तो प्रभु जी ने बल्कि उसको ट्रांसक्राइब भी किया हुआ है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। सो इस तरह का इंक्रेडिबल माउंटेनियस कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रभु जी का। और साथ ही प्रभु जी की 27 बुक्स भी हैं बेस्ड ऑन श्रीमद भगवद गीता, रामायण एंड अदर स्क्रिप्चर्स। उसको बहुत ही प्रैक्टिकली प्रभु जी समझाते हैं ताकि एक मॉडर्न जमाने का व्यक्ति भी उसको समझ सके, बिकॉज ये जो नॉलेज है बहुत ही हाई क्लास है और हमारा जो हाल है कलयुग बहुत ही लो क्लास है। तो ब्रिजिंग करते हैं प्रभु जी और इस तरह से वी आर एबल टू कनेक्ट टू द स्पिरिचुअल साइंसेज। वेस्ट में जब प्रभु जी जाते हैं तो वेस्ट में तो इतनी डिमांड है, वहाँ अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, वो ये देखते हैं सर आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर हैव यू डिसेंडेड। तो हैरान होते हैं इनसे सुन करके। दे आर सुपर डुपर इंप्रेस्ड बाय प्रभु जी इंटेलेक्ट, बाय हिज विजडम, बाय हिज डिवोशन, बाय हिज प्योरिटी। तो आज प्रभु जी ने समय निकाला हमारे लिए, माय आश्रय के इस पॉडकास्ट के लिए। सो ही इज इन सो मच डिमांड, बट येट ही हैज टेकन आउट हिज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। वेल, वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट। प्रभु जी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में, जहाँ साल में 400 लेक्चर होते हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं प्रभु जी। दिस इज रियली अमेजिंग। और उसमें 100 सिटीज भी इन्वॉल्व हैं। सो सिटीज और सिटी जाना, क्योंकि लोगों की सिटी बजी हुई है संसार के अंदर, तो किस प्रकार से उनके जो एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ है उससे उनको निकालना विद हिज वर्ड्स, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो आज माय आश्रय के इस पॉडकास्ट में प्रभु जी आए हैं हमारे बीच में, हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो प्रभु जी का आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। माय आश्रय के जितने व्यूअर्स हैं टुडे, दे आर गोइंग टू लर्न सो मच। तो आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, आपको वीडियो कई बार बीच में पॉज करना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा डाउनलोड आता है ना कि आप पीछे छूट जाएंगे। सो गेट रेडी विद योर पेन, पेंसिल, पैड, सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल दोस नगेट्स ऑफ विजडम व्हिच वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी। प्रभु जी आपका हृदय से हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा। Thank you, Mughal Afro. Delighted to be here on this my Ashway channel. So, आपने इसे introduce किया है, जिस व्यक्ति को आपने introduce किया है, मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। Okay. ये भी नंबर टाइम होगा। I think the ऐसे introduction के बाद जो भी मैं बोलने वाला हूँ, anti-climax होने वाला है। But I'll try. I mean, Mughal Afro को मैं कई सालों से जानता हूँ and जिस तरह से आपने प्रचार किया है, जिस तरह से विपत्ति को संपत्ति कैसे बनाया, या कोई आपसे सीख से। नॉट ओनली योर कैरिज्मा इन स्पीकिंग बट ऑल्सो द कैरेक्टर विथ विच यू कंडक्ट योर सेल्फ एंड स्प्रेड भक्ति, इट्स इमेंसली इंस्पायरिंग। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है पर सुनी बहुत कम है। तो आपसे संग करता हूँ तो हिंदी भी सीखने की इच्छा हो जाती है। तो ठीक है, मैं डन, आप मुझे भक्ति सिखाइए, मैं आपको थोड़ी हिंदी सिखा दूंगा। आपको कुछ मिलेगा नहीं, मुझे काफी मिल जाएगा। एक ऐसी विभूति हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच टू द वर्ल्ड, भले कई लोगों को पता नहीं होगा चैतन्य चरण प्रभु जी के बारे में, पर प्रभु जी जिस क्लास को एड्रेस करते हैं ना, वो बहुत यूनिक क्लास है और बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लोगों को भक्ति में लेकर के आना। यूजुअली पीपल हु आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे डोंट कम टू स्पिरिचुअल लाइफ बिकॉज उनके अपने तामझाम है, पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों को और सुपर इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत ही सुंदरता के तरीके से, बहुत ही सरलता भाव से एंड येट वेरी कनेक्टिंग टू देम, इस तरह से स्पिरिचुअल साइंसेज को प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हमारे बीच में है प्रभु जी। तो प्रभु जी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अबाउट योर चाइल्ड हुड, आपका बचपना कैसे बीता, वेर यू टू स्टे, वेर यू आर बॉर्न, अबाउट योर योर पेरेंट्स, your siblings, friends, please बताइए कुछ। I was born in Sangli, Maharashtra में मेरा childhood हुआ है, जो बचपन में सारे साथी कहते हैं। I didn't have a difficult childhood, my parents had a difficult childhood because of me। तो मैं जब जन्म हुआ था तो मेरे हृदय में एक VSD कहते होल था, तो डॉक्टर ने कहा था कि एक दो साल से ज़्यादा जिएगा नहीं बच्चा, but somehow
भगवान की कृपा से वो बढ़ा नहीं कम हो गया. एंड व्हेन आई वाज वन मुझे पोलियो हुआ तभी, तो 2 साल का था तभी मुझे एक फायर क्रैकर से मिसडायरेक्ट हो गया, तो चेहरे पे गले पे थोड़े कंधे पे स्कार हो गया. बट ये सब मुझे अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे देखता है तो पता है मुझे, पर आई थिंक ये सारा इसकी समस्या जो है मेरे माता पिताओं ने, खासकर मेरे माता ने, मेरे जो पिताजी थे वो ट्रैवलिंग का जॉब था उनका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में. कहते मेरे पिताजी सरकारी प्रचार रखते और जब भी सोशल गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर स्कीम जो हुआ करते थे उनको छोटे छोटे गाँव में ले आकर लिखना, उस पर एक्सप्लेन करना, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, उस पर क्वेश्चन आंसर्स करना. तो एक तरह से ट्रैवलिंग एंड स्पीकिंग हमारे जीन्स में है. तो पर मेरी माँ साथ में रहती थी बचपन से, तो शी वर्कड वेरी हार्ड. और ख़ास करके जब मैं अभी अमेरिका जाने लग गया हूँ तो वहाँ पे जितने ब्रोकन फैमिलीज हैं, यहाँ पे अगर हम बच्चों से मिलते हैं, कोई बच्चे स्कूल में मिलते हैं तो तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, साधारण सवाल होते हैं. अमेरिकन स्कूल्स में, खास करके पब्लिक स्कूल्स में, जो पब्लिक स्कूल में थोड़े लोअर इनकम के लोग होते हैं, वहाँ पे बच्चे सवाल पूछते हैं तुम किसके साथ रहते हो, अपनी माँ के साथ या पिता के साथ. तो पुअर अपब्रिंगिंग के जो स्कार्स होते हैं, ऐसे लोगों से जब मिलता हूँ तो मेरे माता पिता के प्रति जो कृतज्ञता है मेरी और बढ़ गई है. तो मेरी माँ बैंक ऑफ इंडिया में काम करती थी और शी टुक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ मी. तो जब मैं 1 साल का था, जब मुझे पोलियो हुआ था, मुझे याद नहीं है, पर वो जब हुआ तो बेसिकली मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे पोलियो का वैक्सीन देने के लिए. और आजकल लगभग पोलियो पूरा एलिमिनेट हो गया क्योंकि वैक्सीन काम करता है कुछ हद तक. पर वो एक छोटा सा शहर था चंद्रपुर नाम का, और वहाँ पर जो डॉक्टर था उसने जिस फ्रिज में वो पोलियो का वैक्सीन रखा था उसका पावर पिछले रात को चला गया था, उसको पता नहीं था. तो उसके कारण वो वैक्सीन में पोलियो जर्म्स का परसेंटेज बहुत बढ़ गया. तो जो वैक्सीन पोलियो टालने के लिए था उससे ही मुझे पोलियो हो गया. ओह गॉड. तो तभी मैं एक दिन माता पिता ने बताया मुझे कि मैं चल रहा था, एक दिन अचानक गिर गया, उसके बाद कभी चल नहीं पाया. पर मेरी जो इसके बारे में पहली याद है कि शायद मैं 2-3 साल का था और तभी कोई हमारे रिश्तेदार या पड़ोसी, वो सारा धुंधला है स्मृति मेरी, कोई आया था और माँ को सांत्वना कर रहा था कि कितना बुरा हुआ आपके बच्चे को पोलियो हुआ है. और मेरी माँ कह रही है कि बड़े ही विश्वास के साथ, क्लैरिटी के साथ, कि वॉट एवर ही लैक्स फिजिकली गॉड विल प्रोवाइड हिम इंटेलेक्चुअली. वाओ, अमेजिंग. तो अभी उस उम्र में मेरी माँ ने क्या देखा मुझे पता नहीं, बौद्धिक स्तर पे. अभी तो मैं सोचता हूँ कि शायद भगवान ने उनके थ्रू ये वचन बोले. मैं मदर पास्ट अवे, तो उसके बारे में ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स हो, तो इसलिए मुझे पूछने का मौका नहीं मिला मुझे उसके बारे में इस पर. पर तब से क्या हुआ कि आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ मोर विद द इंटेलेक्चुअल साइड, कि खुद की पहचान जो है मेरे शरीर से नहीं पर मेरे मन से या बुद्धि से करता था मैं तभी. और फिर मैं देखा कि जब मैं पढ़ाई करने लगा तो मुझे आसानी से मैं याद कर पाता था, आसानी से समझ पाता था, आसानी से व्यक्त कर पाता था, रिलेटिवली स्पीकिंग. एंड सो समहाउ फ्रॉम दैट टाइम आई गेन दिस कॉन्फिडेंस दैट वी विल नेवर बी अबैंडन्ड. कुछ चीजें हमारे पास कम होगी पर कुछ चीजें होगी ज्यादा. तो आई सी दैट एज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माय मदर. शी नेवर मेड मी फील एज इफ आई वाज अ बर्डन टू हर. शी नेवर मेड फील एज इफ माय लेग वाज अ बर्डन टू हर. सो दैट आइडेंटिफिकेशन विद द इंटेलेक्चुअल साइड, उसके कारण आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू थिंक. मेरे बचपन से आई कैन से माय फर्स्ट लव इज द इंग्लिश लैंग्वेज. उससे फिरंगी हूँ थोड़ा, बट मेरा हॉबी था कि डिक्शनरी उठा लो, डिक्शनरी से शब्दों को याद करो. तो आपको पूरी डिक्शनरी याद हो गई है? तो पता नहीं अभी, पर माय गॉड, एंजॉय मेमोराइजिंग वर्ड्स, फिर उसको यूज करना. तो लैंग्वेज के साथ मेरा लव था. अभी थोड़ा हिंदी संस्कृत के लिए थोड़ा लव आ रहा है पर उतना नहीं है. बट जो इंटेलेक्चुअल साइड से मेरा बचपन से आइडेंटिफिकेशन था. एंड दैट आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, मूवीज देखने में, खेलने कूद में ज्यादा नहीं था मैं. इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता था. क्रिकेट के बाद में उसका क्रिकेट मैच का एनालिसिस पढ़ना अच्छा लगता था. ये तो बहुत यूनिक टेस्ट है. तो क्रिकेट मैच देखना बोर हो जाता था मैं. पर उसके बाद में कुछ कुछ ऑथर्स है बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं. तो उसमें जो उसका जो ह्यूमन एलिमेंट है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, तो वो एनालाइज करने में, तो एनालिसिस में मुझे काफ़ी रुचि है बचपन से. एंड सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी फिजिकली काफ़ी समस्या आई, पर एट अ इमोशनल लेवल, एट अ रिलेशनल लेवल वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी वेल केयर्ड फॉर चाइल्डहुड. एंड देन 10th में जब था मैं, तभी जो भगवीता कहते द्वंद्व होते हैं जगत में, वो जिस दिन को मेरा SSC रिजल्ट आया, मैं पूरे महाराष्ट्र स्टेट में एक कैटेगरी में फर्स्ट आया था मैं. सो तभी कलेक्टर आए थे, वहाँ पूना में था, मैं नासिक में था तभी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
हमारे घर में आए थे और फिर अखबार भी आया, अखबार में फोटो आया. और जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन शाम को हमको पता चला कि मेरी माँ को स्टेज 4 ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया. सो विद इन 1 month शी पास्ड अवे. एंड देन दैट टाइम माई रीडिंग स्टार्टेड बिकमिंग मोर फिलोसॉफिकल आफ्टर दैट. और फिर काफ़ी ग्रंथ पढ़े बाद में. प्रभुपाद जी की कृपा से एक वक्त आया, उन्होंने भगवद्गीता दी. सो दैट्स ब्रीफली माई चाइल्डहुड. वाओ. सो डिवोटीज कैन यू सी दिस कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते, जो कि इतना पैलेटेबल नहीं है, दुखमय है, कष्टमय है, और जिसको देख करके अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब क्या होगा लाइफ में, ये चीज नहीं रही, बस अब और क्या, अब जीना क्या. लेकिन प्रभु जी ने उसकी ब्राइट साइड को देखा. लेट मी फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड. और इंटेलेक्चुअल साइड में एक्चुअली मुझको पता है, ड्यूटीज ने बताया, प्रभु जी को डिक्शनरी याद है. हम से कितने लोग होंगे जिनको की डिक्शनरी याद हो, मतलब सारे वर्ड्स उनके डेफिनेशंस याद हो. सो ये प्रभु जी ने किया हुआ है. सो वी हैव टू टेक दिस लेसन कि अगर कोई चीज की कमी है तो हमें भगवान फिर दूसरे एस्पेक्ट में हमें शक्तिशाली बनाते हैं. इसलिए अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे ना, अगर प्रभु जी की जितने भी वीडियोस हैं, द वे प्रभु जी आर्टिकुलेटली प्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट्स, दे आर सो कनेक्टिंग. लगता है कि इस चीज की डेफिनेशन यही होनी चाहिए थी, बिकॉज प्रभु जी सो वेल रेड. वह चाहते तो ठीक है, आप चल नहीं सकते तो ऐसा करते, दिन रात आप क्रिकेट मैच ही देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देखते हैं. पर प्रभु जी ने ऐसा नहीं किया. सो प्रभु जी ने उसकी ब्राइट साइड देखी, किस तरह से हम और सीख सकते हैं, अपने आप को और ग्रूम कर सकते हैं. और उनकी ये जो सेल्फ ग्रूमिंग है इज हेल्पिंग सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सोल्स दैट दे आर ग्रूमिंग देमसेल्व्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई एम ओगिला दास. मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है प्रभु जी से सीख करके. तो इसलिए ये उनकी तपस्या है जो कि उन्होंने इंटेलेक्चुअली की. इन अ वे आई वुड से इट इज स्पिरिचुअल वाला इंटेलेक्चुअल, नॉट मंडेन इंटेलेक्चुअल. बट यस, वी शुड सी कि हमें किस तरह से डार्क साइड में ब्राइट साइड को देखना चाहिए और अपने आप को निखारना चाहिए. और आज हम देखते हैं दैट प्रभु जी इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली सच एन इवॉल्व्ड पर्सनालिटी. वाओ. तो प्रभु जी अब इसमें आते हैं. वन पॉइंट एक्चुअली, माय ईगो वुड लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर थिंग्स आई हैव नॉट डन. अच्छा. बट आई वुड से दैट अगर कुछ पॉजिटिविटी है वो मुझसे नहीं आई है, मेरी माँ से आई है. वाओ. एंड आई थिंक स्पेशली हमारे चाइल्डहुड में अगर हमारे कैसे कोई प्रभाव मिलता है हमको कि जो हमें दे हेल्प अस टू सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है. मैं जब भी एंड आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, समटाइम्स आई स्पीक टू गैदरिंग ऑफ पीपल विद स्पेशल नीड्स. किसी कोई आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है. तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कई बार, तो जो क्लास तो हो जाता है उसके बाद जब बात करता हूँ, तो एक चीज़ होती है कि सो मैनी पीपल आर फाइटिंग बैटल्स दैट वेयर लॉस्ट लॉन्ग अगो. मतलब वो अपघात हो गया, जो जो भी हो गया और जो हो गया, पर ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, वो मन में घूमते रहता है. और क्या होता है कि जितना वो युद्ध हम मन में कर रहे हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, तो जो युद्ध हमें अभी करना है वो कर नहीं पाते. वो मैं मुझे कहीं याद नहीं आता है मुझे कि मेरा इतने से रिजेंटमेंट या ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेंबर दैट सो मच. और उसका मेन रीजन आई वुड से इज माय मदर. फॉर मी अभी मैं जब चलता हूँ तो मुझे क्रचेस लगते हैं. कोई भी पहले देखता है तो फर्स्ट थिंग दे सी इज आई नीड क्रचेस. बट फॉर मी माय क्रचेस आर लाइक माय ग्लासेस. ये चश्मे के बिना अच्छा दिखता नहीं है. पर चश्मा पहन लिया तो अभी चश्मा चेहरे पे जगह लेता है पर दिमाग में जगह नहीं लेता है. सो लाइक समटाइम्स सम हैंडीकैप जो होता है, सम लिमिटेशन होता है, वो हमारे दिमाग में बहुत स्पेस ले लेता है. ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. यस, वो हमारी पहचान बन जाती है. तो वैसे अगर होगा तो बहुत समस्या आती है. तो दिस इज जस्ट या एक फंक्शनल तरह से एक समस्या है इसके कारण, बट इट इज नो बिग डील. जैसे चश्मा पहनो और आगे चलो जिंदगी, जैसे चश्मा पहनो, क्रचेस उठाओ और आगे चलो जिंदगी. सो इट्स नो बिग डील. पर इसमें एक और चीज़ है कि ये जो एक तरह से किसी को फिजिकल लिमिटेशंस है ना, मैं खास करके भी विश्व में ट्रैवल करता हूँ, तो आई सी दैट बिकॉज मुझे क्रचेस लगते हैं, तो सो मेनी पीपल आर रेडी टू हेल्प. अगर सामान उठाना है, वो व्हीलचेयर असिस्टेंट होता है, पर नहीं भी होगा तो भी लोग हेल्प करने के तैयार होते हैं. पर इससे भी एक्चुअली क्रिपलिंग, इससे भी समस्या करने वाले जो होते हैं, हर पीपल को लोगों मेंटल प्रॉब्लम होते हैं. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है. तो ये सब होता है ना, इसका बोझा दिखता भी नहीं है. पर क्या है कि होगा भी. तो मैं कहता कि नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. नेगेटिव थिंकिंग भी एक्चुअली गिफ्ट है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपको नया बिल्डिंग बनाना है, तो वो बिल्डिंग बनाने के कोई विजनरी चाहिए. यहाँ पे तो एक बंजर जगह है, यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाएंगे. पर उसके साथ साथ कोई नेगेटिव थिंकर चाहिए. इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो क्या करना है, ये करना है तो क्या करना है. सही बात है. और सब लोग ऐसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर पाते. तो जो क्वालिटी कंट्रोल है, प्रूफ रीडिंग है, ये सब के लिए नेगेटिव थिंकिंग जरूरी है. नेगेटिव थिंकिंग करने की क्षमता है, ये एक्चुअली गिफ्ट है. पर क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग विद द नेगेटिव थिंकिंग इज द प्रॉब्लम. इजी प्रॉब्लम. वाओ.
तो व्हाट अ सूत्र. तो जो है कि कोई भी हमारे मेंटल फीचर हो, फिजिकल फीचर हो, जब उससे हम पहचान कर लेते हैं, वो हमारी पहचान बन जाती है, तो फिर समस्या आती है. पर वो अच्छा ठीक है, मेरे एक पहचान का एक पहलू है और जब चाहिए तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, पर उसमें इट शुडंट ऑक्यूपाई आवर मेंटल स्पेस टू मच. या दैट इज इन अ मीटिंग समबडी कैन प्ले डेविल्स एडवोकेट, पर आपको डेविल नहीं बनना बाबा, डेविल्स एडवोकेट. सो यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव थिंकिंग अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसे आइडेंटिफाई अगर करेंगे देन दैट इज अ प्रॉब्लम इंडीड. सो प्रभु जी, सो ये तो हमने जाना हाउ टू सी थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है ही है. और जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर फिजिकली अगर कुछ स्ट्रगल है, देर आर पीपल टू ऑफर हेल्प. लेकिन अगर कोई मेंटली क्रिपल्ड है तो दिखता भी नहीं है. वैसे सिक्स पैक है उसका, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एलेक्जेंडर चीक्स, लेकिन अंदर वो जूझ रहा है, वो तो दिखता ही नहीं है. कोई सपोर्ट करने को इसलिए कोई है ही नहीं. सो प्रभु जी ने ये भी एक पॉजिटिव साइड दिखाई कि अगर कुछ स्ट्रगल है भी फिजिकली, बट देर आर पीपल टू हेल्प. तो इस तरह से एक तरह का कनेक्शन भी है सबके साथ. So this is also wonderful. So Prabhuji, how did you come to spirituality? आप भक्ति में भला कैसे आए? मतलब इस कौन के पहले आप किसी और से भी कनेक्टेड थे, और इस कौन ही था आपका फर्स्ट स्टॉप शॉप? से मैं बताया था कि तीन अलग अलग चीज़ें थी जो अभी मैं देखता हूँ. कभी कभी कहते हैं ना कि हम भक्ति में आते हैं और फिर हम कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं, पर वास्तव में कृष्ण का हमसे संबंध हमेशा होता है. और कृष्ण हमारे जीवन में कार्य कर रहे होते हैं. तो आई थिंक थ्री करंट्स हुए जो साथ में आए, जैसे कि मैं भक्ति में थोड़ा बहुत आ पाया. तो एक पहला बताया कि मेरे माँ के गुजरने के बाद मैं थोड़े फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ने लग गया, और फिर थोड़े जीवन का क्या अर्थ है वो समझने का प्रयास करने लगे. तो फिलोसॉफी का अभी मैं कोई फिलोसॉफी का रिलेवेंस क्या है, महत्व क्या बताते, तो मैं एक सिंपल बताता हूँ. फिलोसॉफी इज टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस. जो साधारण दृष्टि समझ में नहीं आता है वो समझाने के लिए तत्व ज्ञान होता है एक तरह से. तो वो एक चीज़ था कि मैं फिलोसॉफिकल थोड़ा सर्च पे था, बहुत ज़्यादा नहीं पर जरूर सर्च पे था. उसके साथ साथ दूसरा था कि मेरे बचपन से मेरा, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल साइड से आइडेंटिफाई करता था, तो मैं चाहता था कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में. अच्छा. आई वॉन्टेड टू बी द टॉपर. और मैं हमेशा अच्छा था पढ़ाई में, पर और कई बार मैं जॉइंट फर्स्ट आया, पर कभी अकेला फर्स्ट नहीं आया. अच्छा. और कुछ ना कुछ तो हो जाता था, मैं कोई सिली मिस्टेक कर लेता था. एक बार मैं फर्स्ट आया था, पर वो टीचर जो थी, नई टीचर थी, अच्छा, उन्हें कुछ मिस्टेक कर दिया. अच्छा. और मुझे कम मार्क्स दे दिए, किसी और को ज्यादा मार्क्स दे दिए. तो फिर मैंने वो टीचर को जाके बताया, वो टीचर बोले कि हाँ सही में तुम फर्स्ट हो, पर ये मेरा पहला एग्जाम है. हाँ. मेरा पहला ईयर है. हाँ. तो ये अगर मैं इतनी बड़ी गलती की है किसी को बता चल जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. तो बोले ठीक है. बेसिकली मैं कभी बिल्कुल डिस्टिंक्टली फर्स्ट नहीं आया था. तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो तभी आई डिसाइड टू यूजीआरई. मेरे चाचा है, मामा है जो अमेरिका में है, उनकी खुद कंपनी थी, वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ, शायद उनकी कंपनी इनहेरिट करूँ. इसलिए मैं अमेरिका यानी कि जीआरई का एग्ज़ाम दे रहा था. और उस समय जीआरई में अभी भी तीन होते हैं कि एक है एनालिटिकल एबिलिटी, एक है मैथ्स, और तीसरा है लैंग्वेज. तो इंडियन जनरली एनालिटिकल और मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लैंग्वेज में फंस जाते हैं. तो मुझे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था. ओके. तो उस समय मैं न केवल मेरे कॉलेज में फर्स्ट आया, कॉलेज के हिस्ट्री में फर्स्ट आया मैं, और पूरे महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट था उस समय. आई वाज वेरी हैप्पी क्रिकेट मैच जीते, याहू. पर उसके बाद में देखा कि ये मार्कशीट देखने से कितने देर तक संतुष्टि मिलती है. तो उसे ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है. फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में सेलिब्रिटी बन गया था मैं. तो सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे. पर ऐसे हो गया कि मेरे तीन मित्र है, नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स, पर थोड़े मित्र है, जो तीनों मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने को भूल गए. तो एक ही बात है, शायद उन्हें सोचा हो कि सबको पता है अभी क्या बात कर रही है. तो पहले भक्ते को, पहले मित्र ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया तो मैं थोड़ा अनॉयड हो गया. दूसरे ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया तो मैं इरिटेटेड हो गया. अच्छा. तीसरे ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया तो मैं एनरेज हो गया, गुस्सा आ गया, क्या हो रहा है. पर अभी एकाएक मान लीजिए ऐसे कि मैं इसे खुद को मेरे शरीर के ऊपर से देख रहा हूँ, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चीज होती है. तो वो एक कुछ लोग होता है, पर कभी हम भी खुद को अपने ऊपर से देख सकते हैं. ऐसे लगा था मैं तभी ऊपर से देख रहा हूँ, हे रुक जाओ, तुम सोच रहे थे कि तुम अगर पढ़ाई करके नंबर वन में आओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, पर यहाँ पे हुआ क्या है, सुखी होने के जगह पर तुम अपने सुख के लिए दूसरों पे और निर्भर हो गए हो. अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता है तो तुम उतावले हो रहे हो, पर सुख जा रहा है. तो तभी पहली बार जो धारणा की एक्सटर्नल डिपेंडेंस ऑन हैप्पीनेस जो होता है, हर अचीवमेंट से वास्तव में वो ही बढ़ जाता है.
तो उससे भी सोचने लग गया मैं अभी जाऊंगा अमेरिका, शायद कुछ पेपर, रिसर्च पेपर छापूंगा, कुछ अवार्ड मिलाऊंगा, पर इन सब के बाद क्या होने वाला है? ये एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है वो तो रहने ही वाला है. तो कोई ऐसी चीज है क्या जो बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन, बिना एक्सटर्नल रिकॉग्निशन सुख दे सकती है? तब से मैं थोड़ा वो, दैट वाज द सेकंड सर्च. और फिर बाद में मेरा भविता का जो कई श्लोक है उसमें एक फेवरेट श्लोक है 622. कहते हैं वो समाधि का श्लोक है, कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की अगर इस स्थिति में आप पहुंच जाओगे समाधि की स्थिति में, तो फिर यम लब्ध्वा, ये प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रहेगी. क्या नॉट आकांक्षा, क्रेविंग नहीं रहेगी, क्रेविंग नहीं रहेगी, कि तृष्णा नहीं रहेगी. यस, आकांक्षा इज एम्बिशन, तृष्णा नहीं रहेगी, डेस्परेट नीड जो होता है ना वो नहीं रहेगा. और वो प्राप्त करने के बाद दुख भी कुछ होगा तो भी वो दुख नहीं रहेगा आपको, कि गुरुणापि न विचाल्यते. तब यह जो पढ़ा तो मैं सोचा कि दिस इज द रियल अचीवमेंट इन लाइफ. वाओ, अगर ये कोई प्राप्त कर पाएगा तो फिर ये दैट पर्सन विल बी ट्रूली हैप्पी. सो दैट वाज, यू कुड से, मोर ऑफ अ सेकंड स्ट्रिंग ऑफ सेकंड लाइन, इससे कि आध्यात्मिक की ओर में आकर्षण हो गया. एंड थर्ड वाज, वन मोर थिंग इज कि बचपन से मुझे, मैं इंटेलेक्चुअल था तो मुझे अकेले पढ़ना तो पढ़ाना अच्छा लगता था. अच्छा, तो मैं स्कूल में भी दूसरे स्टूडेंट्स को समझाता था. मैं टेंथ में ही, मेरा टेंथ होने के बाद थोड़ा एक ट्यूशन चालू कर दिया था, फ्री ट्यूशन चालू कर दिया था. मैं जब इंजीनियरिंग में था तभी मैं एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया. और फिर उनके एजुकेशन में मैं एक्टिव था कि वहाँ पे कुछ स्लम्स में जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स को, वहाँ के बच्चों को कुछ फ्री ट्यूशन देना, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ ऐसा सिखाना. जब मैं वहाँ पे कर रहा था तो बच्चे फिर उनसे थोड़े मैत्री हो गई और बताने लगे कि उनके घर में क्या समस्या होते हैं. अधिकांश रूप से जो पिता होते थे वो शराबी हुआ करते थे. ओहो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता था घर में. तो फिर मैं सोचने लग गया इससे वास्तव में अगर मैं उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सिखा रहा हूँ, कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे राष्ट्र का कौन कैपिटल है, इससे इनके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है. तो तभी हमने सोचा कि हम कुछ एंटी अल्कोहल कैंपेनिंग करेंगे. अच्छा, तो कुछ स्पीकर्स को लाए, फिर हम भी कुछ सीखे, प्रोत्साहन दिया. और उनके उनके माता पिता आया करते थे. फिर वो कुछ स्मॉल स्लम था वो, वहाँ पे सब लोगों ने फैसला कर लिया कि हम शराब छोड़ देंगे. हम बहुत खुश हो गए थे, हमने तो देखा बिग सक्सेस फॉर अस. और फिर हमारा वैकेशन था, मैं घर चला गया. वैकेशन से वापस आ गया तो न केवल वो पिता बट वो बच्चे भी शराब पीने लग गए थे. तो क्या हुआ था कि बीच में एक म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन था और एक कैंडिडेट ने वोट लेने के लिए दो ट्रक भर के जो शराब की बोतल लेके आया, फ्री सबको दे दिया था. अच्छा, तो तभी मैं सोचने लग गया कि वास्तव में हम शिक्षण देकर लोगों के लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं, पर ऐसे है कि सबके अंदर कोई ट्रैप डोर्स है जिसमें वो फंस जाते हैं. यस, रास्ते में चल रहे ट्रैप डोर होगा तो गिर जाएगा उसके अंदर. यस यस यस. और ऐसे बाहर वहाँ पे भी नहीं था, मतलब मैं एक अच्छे कॉलेज में था, मैं COEP में था, तो वहाँ पे भी मैं देख रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बुरी आदतों में फंस रहे थे, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट दे वर ऑल्सो सफरिंग. आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ एंगर इशूज, चाहता था गुस्सा ना हो पर गुस्सा हो जाता था मैं. कि अंदर ही कुछ ऐसा है जो हमारा शत्रु है. तो जब तक हम उस पे जीत नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो कोई भी प्राप्ति हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन से रोक नहीं सकती. तो फिर जब मैं भविता पढ़ा तो 336 जो आता है, अर्जुन कहते हैं अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न पिबार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. कि क्या है वो चीज जो हमारे अंदर से ही हमें, मान लीजिए जबरदस्ती हमारी इच्छा के खिलाफ हमें धकेलती है. Yes, yes, बुरे कार्य की ओर. तो जब मैंने ये पढ़ा, दिस इज द क्वेश्चन आई वांट एन आंसर फॉर, एवरीवन वांट्स एक्चुअली. और फिर मैं भगवद्गीता को सीखने लग गया, समझने लग गया, हरे कृष्ण मंत्र जप करने लग गया, भगवान का स्मरण करने लग गया और देखा कि मेरा गुस्सा काफी कम हो गया. मेरे एक मित्र थे जो शराब में फंस रहे थे, वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय, पर शराब में फंस रहा था, छोड़ने का प्रयास कर छोड़ नहीं पा रहा था. उन्होंने जब चालू कर दिया छूट गया वो. दिस इज पावरफुल. सोचा कि मुझे ये सिखाना है, ये सीखना है, ये सिखाना है, इससे एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ कर पाऊंगा. यस यस यस. तो फिर वही मैं कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग किया. सोचा कि तभी सोचा अमेरिका जाना है नहीं जाना है, पर मैं सोचा इंडिया में थोड़ा रहकर थोड़ा और भक्ति सीख लूंगा, फिर बाद में देखेंगे. तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, तभी मैं कॉलेज में जाके शाम को कुछ लेक्चर दिया करता था स्टूडेंट्स को, स्मॉल स्टडी ग्रुप्स में. तो एक बार मुझे जाना था और वो मेरे बॉस ने बोला कि नहीं आज आपको डेडलाइन है, कुछ काम करना है. बोला कि मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा, कर लूँगा. नहीं आज आपको ही करना है. तो फिर जब मैंने किसी और को अरेंज करने का प्रयास किया पर कोई और नहीं था जाने के लिए. तो
तो फिर वो स्टडी प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा हमको, और फिर रात को मैं लगभग 11:30-12 बजे जा रहा था तो मेरे घर जा रहा था वापस, तो मेरे एक मित्र ने कॉल किया, और पहला चीज़ बोले यू लकी डॉग। लकी डॉग लकी कैसे? बोले कि तुम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वो इतना स्पेशल एलीट प्रोजेक्ट है, तुमको तुम्हारे बॉस से सिलेक्ट किया और तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पे रुको, यू आर सो लकी। तो मैं सोचा था कि अगर मैं गीता नहीं सिखाऊंगा तो बहुत कम लोग हैं जो सिखाने के लिए उत्साही है या तत्पर है, पर अगर मैं सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं कर रहा हूँ तो कितने सारे लोग हैं जो ये करने के लिए न केवल उत्साही है पर शायद मुझसे भी अच्छे तत्पर है वो। तो फिर सोचा कि तभी कि आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी मच मोर बाय फोकसिंग ऑन टीचिंग भगवद्गीता, तो तभी मैं मंदिर ज्वाइन करके फिर ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। तब से थोड़ा बहुत भगवद्गीता सीख के सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसे कोडिंग प्रोविजन छोड़ी नहीं है, आज भी कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोविजन सुनता है उसके ब्रेन की जो कोडिंग है उसमें से वायरस निकाल लेते हैं प्रभु जी, तो इसलिए आज भी प्रोग्रामर हैं वो। यस, ही इज प्रोग्रामिंग आवर ब्रेन्स, आवर इंटेलेक्ट, आवर हार्ट्स, आवर कॉन्शियसनेस, आवर डिजायर्स, आज भी वो ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रभु जी थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पिरिचुअल प्रोग्रामर। तो प्रभु जी अब हम जानना चाहेंगे आपकी वेस्ट की प्रीचिंग के बारे में, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के कई लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ना पाश्चात्य जगत में ये वेस्टर्नर्स, अमेरिकन, यूरोपियंस भला ये कहाँ ये स्वीकार करेंगे, कहाँ भक्ति, कहाँ वो लोग, भला ये कैसे पॉसिबल होगा। बट यू ट्रैवल टू वेस्ट और हमने देखा है प्रभु जी द वे यू एड्रेस देम, मतलब मैंने तो उनके चेहरे पे देखा है दे आर हिप्नोटाइज्ड, दे आर स्टन्ड द वे यू प्रेजेंट वैदिक विजडम इन अ वेरी कन्विंसिंग वे, इन अ वेरी लॉजिकल, सेंसिबल, साइंटिफिक वे। सो भाई वेस्ट में आज प्रीचिंग करते हैं तो आपका वहाँ अनुभव कैसा है? सो वट आर गुड थिंग्स विच यू सी एंड वट आर द चैलेंजेस वैन वी प्रीच इन द वेस्ट? तो मैं 2014 से जा रहा हूँ अमेरिका। ओके, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, मोस्टली मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाता हूँ। यूरोप में बाकी सब कंट्री जो है वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज हो जाता है वो, तो वहाँ पे क्या है मैं इंग्लिश में बोलूंगा, किसी और को ट्रांसलेट करना पड़ेगा फ्रेंच में, जर्मन में, और वहाँ पे वही होता है कि मैं साउथ अमेरिका में गया था पर वहाँ पे मैक्सिकन में वो ट्रांसलेट करना था तो उनको मेरा इंग्लिश समझना मुश्किल आ रहा है, इंग्लिश समझ के वो ट्रांसलेट कर रहा है, सो आई डोंट गो देयर बट सो मच। और उसके पहले जब 2006-07 में मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज ने उनकी जर्नी होम लिखी थी किताब, तो तभी उसके पहले मैंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, तो महाराज ने मुझे वो किताब दी थी और उन्हें पता पढ़ के बताओ तुम्हें क्या सोचते हो उसके बारे में। तो मैंने बोला कि महाराज उसकी कहानियाँ बहुत आकर्षक है पर व्हाट स्ट्रक मी द मोस्ट वाज द टोन, कि इसमें आप ऐसे गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे ऐसे नहीं है, ये तो टोन है कि एक मित्र अपने मित्रों से बात कर रहा है, तो अ फ्रेंड इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स। तो फिर महाराज ने कहा कि दैट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, कि ये वेस्ट को अगर आप प्रचार करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस टोन। तो और बोले कि भारत भी वेस्टर्नाइज हो रहा है, अगर आप ये टोन सीख पाओगे तो यू कैन रीच टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न पीपल। तब से मैं सोच रहा था ये क्या है, कैसे करना है, क्या करना है इसके लिए। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट में है, जैसे कि ईस्टर्न कल्चर, इंडिया ही नहीं, चाइना हो, रशिया हो, इट्स अ वेरी वर्टिकल कल्चर, अथॉरिटी सबॉर्डिनेट। जो वेस्ट है, अभी वेस्ट में भी यूके और अमेरिका में बहुत फर्क है, यूके अभी तक थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, कम हुआ है, पर अमेरिका वॉज क्रिएटेड टू रिबेल अगेंस्ट दैट अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ यूके। तो अमेरिका स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो अमेरिका का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत हॉरिजॉन्टल है। तो इसीलिए जो हम प्रेजेंट करते हैं मैसेज, तो इट हैज टू बी मोर इन्विटेशनल देन इंस्ट्रक्शनल, कि ये ऐसे करना है नहीं। देखो इस दृष्टि से आप देखो क्या है, वी इनवाइट देम टू सी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, और एक तरह से लोग काफी क्यूरियस हैं ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी की ओर। लोगों में आई थिंक इन फोर वेज, इन फोर एरियाज बहुत रुचि है। एक है योगा, अच्छा, और तो पहले से पॉपुलर था पर हमारे प्रधानमंत्री जब से वर्ल्ड योगा डे बनाया है तो इन वन सेंस वो योगा इंडिया से और क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया। सबको जानते थे कि योगा इंडिया से है बट इट वाज ओके, योगा इज गुड, इट्स कम फ्रॉम ईस्ट, जेनरिक हो गया था वो। तो योगा इज अ बिग थिंग, और पहले तो जब मैं भारत में था तो मैं सुना था कि योगा जो है लोग केवल इंद्र स्तुति के लिए कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं इसलिए कि वो खुद को और आकर्षक बनाए और फिर कुछ आकर्षक पार्टनर प्राप्त करें, वो उद्देश्य है। पर अगर वही उद्देश्य होता तो लोग बोटॉक्स ले सकते थे, लोग बहुत कुछ कर सकते थे। तो कैसे कि वो राजसिक उद्देश्य है पर वो राजसिक उद्देश्य के लिए वो एक सात्विक मार्ग ले रहे हैं, तो उतना तो सत्व होना चाहिए सात्विक मार्ग लेने के लिए, तो फिर केमिकल्स पंप करके वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग योगा सर्कल्स में हसीन, दे आर वेरी थॉटफुल, काफी लोग, मोस्टली इट इज वुमेन, बट दे आर, एंड खास करके जब
35-40-45 यंग वुमेन भी आते हैं इसके लिए, युवा के लिए, पर 35-40-45 के वो डेमोग्राफिक में जब होते हैं वो, तो तभी क्या है जो भौतिक जगत का भोग कर चुके हैं, सब कुछ अनुभव जो करना है वो कर चुके हैं वो, और तभी वो सोचते हैं कि और क्या है जीवन में. तो वो डेमोग्राफिक वो जो बहुत उसमें इन्फ्लुएंशियल है, और वहाँ से लोग आध्यात्म की ओर और भक्ति की ओर आने के लिए बहुत उत्सुक है. तो योगा से भक्ति का जो ब्रिज है वो हमें अभी बिल्ड करना है, और हमारे मूवमेंट काफी एक्टिव है उसमें, और कीर्तन से वो काफी बिल्ड हो रहा है. अच्छा. लोगों को कीर्तन जो है, खास करके स्वीट सूदिंग जेंटल कीर्तन जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है. तो हमारी संस्था ने, कृष्ण भावत आंदोलन ने कीर्तन को वेस्ट के पब्लिक अवेयरनेस में लाया. ये हमारे ढोड़ जाके रस्ते में पब्लिक कीर्तन करते थे, रथ यात्रा में कीर्तन करते थे, पर वो जो पब्लिक कीर्तन है That nowadays people see is as religious. Oh, okay. पर अगर आप एक कोई म्यूजिक कंसर्ट हॉल में जाके बैठ के कोई कीर्तन करता है, आप शांति से सुनते हो और फिर आपको पार्टिसिपेट करना, तो आप पार्टिसिपेट करते हो, पर जेंटल सूदिंग वो उसको, वो मेडिटेशन देखते हैं, वो स्पिरिचुअल देखते हैं. Oh, okay. तो क्या होता है, और अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वी आर SBNR. SBNR स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस. अच्छा, ओके. वो सोचते हैं कि धर्म जो है, जो रिलीजन है, वो बहुत सेक्टेरियन हो जाता है. कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, और तुम गलत हो तुम्हारा मैं विनाश कर दूंगा. वो जो उस प्रकार की धर्म की संकल्पना है वहाँ पे, तो लोग, पीपल डोंट वांट टू बी रिलीजियस, दे वांट टू बी स्पिरिचुअल. और कीर्तन को वो स्पिरिचुअल मानते हैं. तो कीर्तन, हमारे भक्त भी काफी अच्छा कीर्तन करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो बोले तुम सेक्टेरियन हो, अलग कीर्तन भी करो ना. अच्छा. तो पर वो थोड़ा चैलेंजेस है, बट योगा टू कीर्तन ये एक अच्छा पाथवे है, और काफी भक्त जो है वो उसको इस्तेमाल करके कई लोगों को मिला रहे हैं. दिस इज वन मेन वे कीर्तन. योग माइंडफुलनेस से, वो थोड़ा मेडिटेशन से ओपन हो रहे. मैं बड़े बड़े कंपनी जाता हूँ तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के न केवल इन्वाइट करते हैं बट दे आर रेडी टू पे फॉर इट ऑल्सो. और तीसरा है कि एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के बारे में लोगों को बहुत चिंता है. जैसे कि पॉलिटिकल में ये बहुत दिलचस्प फर्क है कि इंडिया में जो लोग आध्यात्म धर्म की ओर आते हैं वो अधिकांश राइट के लोग होते हैं. पॉलिटिकल में लेफ्ट और राइट होता है, तो लेफ्टिस्ट लोग नहीं आते, वो धर्म के खिलाफ होते हैं. यस. पर अमेरिका से जो लोग, वैसे देशों में जो लोग हमारे भक्ति में आते हैं, वो सब राइट के नहीं होते, वो लेफ्ट के होते. दैट्स सो स्ट्रेंज. तो क्या कहें, वहाँ पे जो राइट के लोग हो गए, राइट ओरिएंटेशन के, पॉलिटिकल राइट जो होते वो सब, जो उनका जन्म का धर्म है, जो वहाँ पे प्रस्तावित धर्म है, उसके ओर चले जाएगा. जो लेफ्ट जो होता है, बेसिकली मैं बोल दो कि राइट और लेफ्ट का फर्क समझे, तो द राइट इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज राइट इन द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर. जो अभी सदस्य समाज की व्यवस्था है क्या सही है, उसके जोर देते हैं, इसको संभाल के रखो. द लेफ्ट आर कंसर्न्ड विद दोस हु आर लेफ्ट आउट बाय द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर. कि तो इसीलिए वो हमेशा जो मेन सोशल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ होते. तो लेफ्ट का ऐसा स्वभाव होता है कि वो, अभी भारत में जो लेफ्ट होगा तो वो हिंदुइज्म के खिलाफ होगा. वो इस्लाम का सपोर्ट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है वो माइनॉरिटी रिलीजन. वो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पावर में नहीं है. Yes, yes. तो पाश्चात्य देशों में क्या होता है, जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो क्रिश्चियनिटी और मेनस्ट्रीम जो वहाँ पे सोशल सिस्टम है उसको अल्टरनेटिव देखते होते हैं. तो उसमें वेजिटेरियनिज्म और फिर एनवायरमेंट, ये दोनों बहुत कंसर्न्स है. तो उनको एनवायरमेंट की बहुत चिंता होती है. तो उसके कारण वो, और फिर अगर अभी क्या है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया विश्व जो है भगवान का ही शरीर है, विराट रूप जो है, तो That is a very spiritual conception of nature. तो ये बुद्धिज्म में भी इतना directly spiritual नहीं है. तो कई scientists भी अभी कह रहे हैं कि अगर हमें पर्यावरण को संभालना है तो our vision of nature needs to be infused with the conception of the sacred. कि हमें निसर्ग को एक पवित्र या दिव्य के दृष्टि से देखना चाहिए, तो लोग फिर उसका संरक्षण करेंगे. तो environment है, और चौथा है vegetarianism. तो उससे तरह vegan cooking जो है, अभी बहुत से भारत से गुरु गए थे पाश्चात्य देशों में, पर प्रभुपाद जी पहले थे जिन्होंने वेजिटेरियन फूड को एम्फोसाइज किया. और प्रभुपाद जी एक शिष्य है, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी के जितना श्लोकों का उनका ज्ञान था उतना उनको रेसिपीज का भी ज्ञान था. इतने सारे रेसिपीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. ये चार चीज़ों में, योगा, माइंडफुलनेस, वेजिटेरियनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, इधर से पाश्चात्य देशों में सत्व थोड़ा ऊपर उठ रहा है. और वहाँ पर हमें काफ़ी मौका है उसको टैप करने का, उसे कनेक्ट करने का. आई सी. तो बाहर में जब, when we tell that, you know, Krishna being God, तो इसकी acceptability कितनी है या किस level पे जाके आ पाती है ये acceptability that Krishna is the supreme God? वो अमेरिका में एक कॉमेडियन ने एक बार, 10-15 साल पहले की बात है, मैं शायद 20 साल पहले, एक कॉमेडियन ने लोगों को सवाल पूछा था, what is the most ridiculous thing you have heard in your life? Okay. तो इसमें
टॉप 25 आंसर्स में से एक था कि हरे कृष्ण डिवोटी कमिंग टू अस एंड टेलिंग अस दैट अ ब्लूइश ब्लैक पर्स काउहर्ड बॉय वियरिंग अ पीकॉक फेदर इज गॉड. ओके सो पहले तो आई वुड से 20-25 इयर्स पहले तो जो बिल्कुल रिडिकुलस आइडिया था वो, पर जैसे जो लिबरलाइजेशन से भारत में नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं वो लिबरलाइजेशन से पाश्चात्य देश में लोग ओपन माइंडेड हो रहे हैं. तो पीपल आर ओपन टू वेरियस कंसेप्शंस ऑफ गॉड. मैं बताता हूँ कि कृष्णा इज, जब मैं योगा सर्कल में बात करता हूँ तो कृष्णा इज द योगिक विजन ऑफ द डिवाइन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव. तो डायरेक्टली जैसे कृष्णा इज गॉड बोले तो गॉड इज नॉट अ वेरी पॉपुलर वर्ड इन द वेस्ट. तो गॉड को वो गॉड इज सीन एज रिलीजियस, डिवाइन डिविनिटी ये जो है उसको रिलीजियस नहीं मानते. तो वो स्पिरिचुअल आइडिया होता है. तो जो वर्ड्स है बहुत महत्वपूर्ण है. Words make our worlds as you. generally we don't use the word God so much. We use the word divine. अच्छा. Source भी use करते हैं. Star Wars में आता है may the force be with you. अच्छा. कुछ भाग बोलते हैं may the source be with you. अच्छा. So जैसे हम चर्चा करते हैं regarding yourspiritualscientist.com, which is really wonderful website. आप जाएंगे अगर इस website में you would be really stunned कि science को लेकर के क्या-क्या questions हो सकते हैं, religion को लेकर के रामायण और महाभारत को लेकर क्या-क्या questions हो सकते हैं. मोर देन 8,000 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रभु जी ने बड़े ही साइंटिफिकली बड़े कन्विंसिंग में उसको प्रेजेंट किया है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज जरूर जाएं द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉट कॉम के ऊपर और साथ ही geetadaily.com इन पर जरूर जाएं. सो geetadaily.com में रोज प्रभु जी ब्लॉग लिखते हैं, 4,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं. तो प्रभु जी ये geetadaily.com और ये द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉट कॉम, इसमें जो ज्ञान का भंडार है, भंडार भी क्या मतलब, ये ऐसी सागर है, इट्स ओशन. सो ये ओशन ऑफ नॉलेज ये इस तरह से हो, इसका आइडिया बता कैसे आया. बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी जितने भी लोग हैं जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप जब चेकआउट करेंगे ना इन वेबसाइट्स को, द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉट कॉम जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अभी, एंड geetadaily.com, आप दंग रह जाएंगे कि इतनी डीप इंसाइट्स वाला कैसे हो सकती हैं. पर ये सारी डीप इंसाइट्स आ रही हैं फ्रॉम चैतन्य चरण प्रभु जी. सो प्रभु जी हाउ दिस स्टार्टेड और इसके पीछे क्या इसके पीछे भाव था, क्या इंस्पिरेशन थी. शुरुआत में आया था तो मुझे बहुत सवाल हुआ करते थे और राधेश्याम प्रभु मेरे प्रधान शिक्षा गुरु थे तो उन्होंने बहुत समय दिया मुझे, बहुत से सवालों का जवाब दिया. और जब एक बार पूना से बॉम्बे जा रहा था, कुछ कार्यक्रम था बॉम्बे, तो मैं राधेश्याम पूछ रहा था प्रभु जी मैं सवाल पूछ सकता हूँ. हाँ पूछिए. तो मैंने निकाला जैसे 4 फुल स्केप पेजेस पूरे क्वेश्चन से भरे हुए थे मेरे. तो राधेश्याम प्रभु बोले वील हैव टू मेक मेनी ट्रिप्स टू मुंबई टू कवर दिस. ओह माय गॉड. तो बेसिकली ये काफ़ी सवाल थे और अलग अलग वक्तों से मैं सवाल पूछता था और अधिकम ने काफ़ी जवाब दिए मुझे. पर कई सवाल थे, मैं देखता था कि अलग अलग लोगों से सवाल पूछता था कि सबका समान विचार करने की पद्धति नहीं होती सबकी. तो सम व्यू बहुत ही डिवोशनल आंसर दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे आंसर देते हैं कि वो आंसर से और सवाल आ जाते हैं. तो सम आंसर ऐसे होते हैं कि दे आर मेंट टू स्टॉप द क्वेश्चन नॉट आंसर द क्वेश्चन. जब सवाल बंद कर दो ऐसे होते हैं. तो फिर मैं सोचा कि ऐसे मुझे जब ऐसे अच्छे जवाब मिलते थे तो मैं आई वुड नोट डाउन द पॉइंट्स. तो सोचा कि ये एक अच्छा योगदान होगा कि अगर ऐसे जो सवाल है उनका एक रैशनल एक्सेप्टेबल आंसर. मैं क्या करता, जब मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ तो मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से देने का प्रयास करता हूँ. ठीक है, अगर ये दूसरे से कुछ समझ नहीं आया तो ये दूसरे समझ में आ गया. तो तभी कई लोगों ने मेरे क्वेश्चन आंसर अप्रिशिएट भी किए थे, राधेश्याम प्रभु ने इनकरेज किया मुझे. फिर मैंने फैसला किया कि उनके आशीर्वाद लेके फिर कि मैं ऐसा एक रिसोर्स बनाऊंगा. तभी तो वेबसाइट्स वगैरह नहीं थे तो आई थिंक आई मे हैविंग द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट पीपल टू हैव हैड अ वेबसाइट विद सिस्टमैटिक नॉलेज. 2002 या 2003 में हमने बनाई थी पहले और फिर वहाँ पे मैं धीरे धीरे कंटेंट ऐड करने लग गया. अभी भी मुझे आई एम नाउ लुकिंग फॉर अ प्रॉपर टीम तो उसको एक अच्छी तरह सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल एनसाइक्लोपीडिया बनाए उसका. पर तब से वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ मैं. सो दैट वॉज द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट. तो धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो फिर मैं उसको टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करने लग गया. और फिर 2011 में मैंने गीता डेली चालू किया. तो मैं देख रहा था कि जब अभी प्रचार हो रहा है तो मैं वैसे 2007 से मैं आई स्टार्टेड स्टडिंग क्रिश्चियनिटी लिटिल बिट टू सी हाउ क्रिश्चियंस डू आउटरीच. और वन ऑफ द थिंग्स आई फाउंड वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम एंड नॉट मेनी हिंदूज वर डूइंग इट वाज दैट सेंड डेली एनकरेजिंग मैसेजेस. अभी आजकल तो सोशल मीडिया आ गए तो देयर आर टू मेनी मैसेजेस, पर तभी ज़्यादा नहीं थे. तो कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ फेमस पास्टर्स है जो रोज एक मैसेज भेजते. एक रिक वॉरन है, इस डेली होप का मैसेज होता है,
एंड आई चेक थोड़े जो हमारे डिवोटीज थे उस समय जो थोड़ा सा टेक सेवी थे, अपेरेंटली ही हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और कई उसमें सब्सक्राइबर्स है जो क्रिश्चियन नहीं है, हिंदूज भी है. जस्ट लाइक टू गेट सम नाइस एनकरेजिंग मैसेज. तो मैं देखा कि बाइबल पे ऐसे कई लोग हैं जो रोज मैसेज लिख रहे हैं, कुरान पे कई लोग हैं जो मैसेज लिख रहे हैं, पर गीता पे कोई नहीं लिख रहा है. तो आई थॉट गीता डिजर्व्स दिस. यस ऑफ कोर्स. तो फिर आई टॉक विद सेवरल सीनियर डिवोटीज. तो हमारे संस्था में कैसे था कि अगर आप सजेशन देते हैं तो आप पे जिम्मेदारी आते हैं इंप्लीमेंट करने का. तो फिर नेक्स्ट कई भक्त बोला कि अगर एक अच्छा है करना आप चालू कर दो खुद. तो तब से मैं चालू कर दिया है. तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन. दैट्स वंडरफुल प्रोजेक्ट. बट इट इज It has a lot of potential. I have not been able to tap the potential so much, but that's how Gita Daily. So Gita Daily भी अभी मैं और systematically जो है उसको present करने का प्रयास कर रहा हूँ. So hopefully in the future that will happen. Yes, yes, Rudy. बल्कि ये जो resources हैं ये बहुत valuable हैं किसी भी teacher के लिए. मैं ये admit कर रहा हूँ इस podcast के अंदर. हमारे माय आश्रय कई सारे ऐसे shorts होते हैं जो कि actually प्रभु जी के ही article से लिए होते हैं. उसको हम लेते हैं, उसके points बनाते हैं, bullet points बनाते हैं, थोड़ा सा अपना chalk लगाते हैं, and that's it. तो इसीलिए हमारी सप्लाई जो है वो कहाँ से, हमारे चतन चरण प्रभु जी के मॉल में से हम थोड़ा लेते हैं सामान और फिर हमारी शॉप में उसको आगे भेज देते हैं. बट इट इज कमिंग फ्रॉम सुपर डुपर मॉल ऑफ चतन चरण प्रभु जी. प्रभु जी आपने 27 बुक्स ऑथर की हैं, तो अगर अपनी बुक्स के अगर आप कुछ नाम बताना चाहें जिनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो उस पर क्लिक भी कर सकते हैं अमेजॉन पे जाकर के. यू कैन गेट अ किंडल वर्जन जिसका अवेलेबल है, अदरवाइज फिजिकल कॉपी भी आप बुक कर सकते हैं. सो प्रभु जी कुछ बुक्स बताना चाहें जो आपने ऑथर किया है, विच वन इज योर लेटेस्ट वन? ओके, तो ब्रॉडली मैं चार कैटेगरीज में लिखता हूँ. एक है पहले साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, वैसे स्पिरिचुअलिटी चल गया. तो उसमें साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में कई किताबें लिखी है, तो उसमें साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी नाम का एक किताब है. और दूसरा है डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन. उसमें सिस्टमेटिकली पास्ट लाइफ मेमोरीज और ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेज और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रीइंकार्नेशन, तो वो एक कैटेगरी है किताबों का. दूसरा है कि पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ हेल्प. उस एरिया में मैंने 10 लीडरशिप सूत्रास बेस्ड ऑन भगवद गीता और फिर दो मूवीज आए थे OMG और PK, जो रिलीजन का सटायरिकल क्रिटिसिज्म कर रहे थे. तो उसमें जो सवाल उठाए थे तो उस सवालों का जवाब मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिया है. तो अभी भी मैं कुछ आजकल तो कई ऐसे मूवीज आ रहे हैं जिसमें थोड़े शास्त्रों से थीम्स आते हैं, तो उस पर मैं कमेंट करता हूँ. तो मैं सो आई एम कॉल इट मेकिंग सेंस विद भगवद गीता. सोशल कमेंट्री जो है वो थर्ड कैरेक्टर से है. और चौथा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्चर. तो उसमें मेरा विजडम फ्रॉम रामायण नाम की किताब है. यस यस. इसमें मैं रामायण से कुछ प्रसंग लिए है और उसके आधार पर एक्सप्लेन किया है. तो अभी एक नया किताब मैं नियरली कम्प्लीट हो गया, लिविंग द रामायण, वो किताब है. उसमें रामायण से एंगर मैनेजमेंट, डिजायर मैनेजमेंट, या फिर हाउ टू सेट बाउंड्रीज, हाउ टू डील विथ cunning people, how to not be affected by bad association, ऐसे जो themes है. तो मैं क्या करता हूँ, scripture से two kinds of, there are spiritual lessons and there are human lessons, like spiritual values and human values. तो दोनों I try to take and there are four genres of books I have written. Wow. तो हमारा है living the Ramayan, प्रभुजी ने लिखे है living the Ramayan. तो ये latest book है, is it available on Amazon प्रभुजी? It will come out in a few months. In few months. लेकिन बाकी सारी books जो है, वो available है Amazon पे प्रभुजी? सब Amazon पे available है. So please get a copy for yourself now, after this podcast. So प्रभुजी साथ ही हम जानना चाहेंगे कि इंडिया को हम चाहते हैं, इंडिया should become a spiritual guru, a world guru, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हम इंडिया को. So आपके opinion में क्या वो चीजें हैं जो कि इंडिया को आज करनी चाहिए, जिससे कि इंडिया would come out as a spiritual guru of the whole world? Yeah, I think वो ऑलरेडी हो रहा है. अभी इसके इंडिया के रिसोर्सेज अगर हम देखते हैं तो क्या है कि जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया एक रिसोर्स है, इंडियंस इन इंडिया एक दूसरा रिसोर्स है, और इंडिया का जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेम्पल्स है, होली प्लेसेस है, ये एक रिसोर्स है. जैसे थ्री रिसोर्सेज आर देयर. तो अभी मैनी इंडियंस आउटसाइड इंडिया दे आर वेरी ईगर फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन स्पिरिचुअलिटी. एंड दो रीजन है इसके लिए. सबसे पहला है कि इंडियंस आर वेरी सीरियस अबाउट पेरेंटिंग. जो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है बहुत सीरियस लेते हैं इंडियंस. और तब अमेरिका में जाते हैं तो पहले अगर जाएंगे, अभी यंग है, वहाँ पे पैसा मिलता है, भोग करना है, पर वहाँ से सेटल डाउन तो चिंता होती है कि हमारे बच्चों को हमारे वैल्यूज कैसे ट्रांसमिट करने हैं, क्योंकि वहाँ मेन स्ट्रीम कल्चर तो काफ़ी अलग है. तो फिर तभी दे स्टार्ट लुकिंग कि हमारे इंडियन के क्या वैल्यूज एक्चुअली है, कैसे हम समझाना है, कैसे ट्रांसमिट करना है. दे बिकम वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ दैट.
एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज दैट व्हेन अभी से इंडिया का भी ग्लोब पे स्टेचर बढ़ रहा है तो व्हेन पीपल गेट क्वेश्चंस इन द पास्ट many Indians would try to hide their Indianness. Hide नहीं कर सकते क्या brown skin है हमारा. पर फिर भी वो downplay करने का बैठते थे. But now it is that we want to be Indian and we want to explain our tradition, our culture. तो उसके कारण क्या है? एक एक है cultural inquisitiveness और दूसरा है philosophical inquisitiveness. तो दोनों भी बढ़ रहा है. और जो पाश्चात्य देश में Indians है, they are intelligent, they are hardworking, they are well to do. It's interesting. हम माइनॉरिटी जो शब्द होता है उसका एक मीनिंग इंडिया में होता है पर अमेरिका में इंडियंस आर द वेल्दीएस्ट माइनॉरिटी. वाओ, नॉट ओनली द वेल्दीएस्ट माइनॉरिटी, वी आर द मोस्ट एनवीड माइनॉरिटी. ओह रियली? तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो लीवरेज भी हमारे संस्था भी बढ़ रही है. और बट वो दैट इज अ बिग बिग एसेट. ओके, 10-15 साल पहले जो भारत से भारत छोड़ के अमेरिका जाते लोग उनको ब्रेन ड्रेन हो रहा कहते थे, तुम भारत छोड़ के जा रहे हो. बट नाउ वी आर सीइंग दैट दे आर आवर एसेट एंड वो बहुत इंडिया में सपोर्ट कर सकते. तो उनसे कनेक्शन करना, तो दैट इज वन बिग थिंग. इफ यू एड्रेस देयर नीड्स एंड व्हाट दे कैन डू फॉर इंडिया, नॉट जस्ट बाय व्हाट दे कैन डू अमेरिका बट हाउ दे कैन सपोर्ट इंडिया, दैट्स ह्यूज. सेकंड है कि जो इंडियंस अभी इंडिया में हैं, एक जो अभी राम मंदिर के बाद यूथ में भी एक ऐसे इट्स गोइंग टू टेम्पल एंड प्रैक्टिसिंग इंडियन स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम कूल. यस, पहले तो ये ओल्ड फैशन लगता था पर अभी तक काफी कूल हो गया है वो. सो तो उसको टैप करना, आई थिंक इट्स अ ट्रेंड विच इज, इफ यू कैन टैप इट. अभी एक तरह से इट्स ऑलमोस्ट लाइक देर आर 3 or 4 इंडियाज, नॉट इन अ फिजिकल ज्योग्राफिकल सेंस बट इन अ कल्चरल सेंस. एक है कि वो अल्ट्रा लेफ्ट विंग इंडिया है, जो एवरीथिंग ट्रेडिशनल अबाउट इंडिया इज बैड. अनफॉर्चुनेटली वो नंबर ऑफ पीपल बहुत कम है पर उनका इन्फ्लुएंस मीडिया में बहुत ज्यादा है. यस यस, तो थैंकफुली सोशल मीडिया के कारण उनकी जो मोनोपोली थी वो नैरेटिव पे वो भी चैलेंज हो रही है. आई वोंट से दब गई है पर कम से कम चैलेंज तो हो रही है. बिल्कुल हो रही है. यस, तो वो है और उसके कारण काफी प्रॉब्लम आते हैं, आ रहे थे पास में, पर वो एक माइनॉरिटी, वो एक है. दूसरा है कि जो अभी अपवर्ड मोबाइल इंडिया है, कैसे होता है कि जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, कैसे कि एक है जरूरत कल्चरल लेवल पे पड़ती है, दूसरी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे पड़ती है. यस यस, तो वो जो जब लोग काफी वेल्दी हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस भी आता है. जो वर्क का लाइफस्टाइल होता है उससे थोड़ा लोनलीनेस आता है. तो तभी जो आध्यात्मिक जरूरत पड़ती है ना, उसके कारण लोग आते हैं. तो वो जो डेमोग्राफी, जो अपवर्ड मोबाइल डेमोग्राफिक है अभी, जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी ओपन. तो एंड दीस पीपल आल्सो हैव गेन टैलेंट इन्फ्लुएंस. वो भी टैप देन, दैट्स अ बिग थिंग. थर्ड है कि जो कॉलेजेस में अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे जोर दिया जा रहा है, देयर वी गो इन एंड वी शेयर दीज वैल्यूज इन अ वे दैट इज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडेबल फॉर पीपल, तो दैट्स इनॉर्मस. दैट उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है. एंड लास्ट है कि आई सी दैट जो मतलब लेफ्ट का इन्फ्लुएंस है, ऐसे बहुत से थॉटफुल लोग हैं जो अपने आध्यात्म या धर्म के बारे में बोलते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि समाज में क्या लोग क्या सोचेंगे. बट स्लोली दे आर एम्पावर्ड, दे कैन डू अ लॉट. आजकल अभी वेदों पे, पुराणों पे, रामायण पे, महाभारत पे इतना सारा रिसर्च हो रहा है. yes, yes. और उसकी जो ऐतिहासिक जो एविडेंसेस है वो आगे आ रहे हैं. सो ऑल दिस आर वेरी गुड साइंस. एंड एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे होली प्लेसेस हैं वो अगर हम डेवलप कर, अभी जैसे अयोध्या है, काशी है, ऋषिकेश को भी डेवलप करने का प्रयास हो रहा है, तो अगर वो डेवलप होते हैं तो इट विल बी अमेजिंग. एक वेस्टर्न स्कॉलर आई थिंक थॉमस ब्रुक है, चार्ल्स ब्रुक नाम है उसने, ही सेड एन एग्जांपल ऑफ हाउ इस्कॉन डेवलप वृंदावन. अच्छा, उसने कहा कि जब इस्कॉन जब पहले आई थी तो वृंदावन एक छोटा सा गांव था, पर अभी इस्कॉन के कारण उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया. ऑफकोर्स डेवलपमेंट का थोड़ा कमर्शियलाइजेशन हो गया, वो दुर्भाग्य बात है. पर क्या है कि जो हमारा स्पिरिचुअल रिसोर्सेज है वो अगर हम डेवलप करते हैं तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल. तो आई थिंक ईच इंडिविजुअल कैन फाइंड आउट. अगर एक तरह से हम भक्ति योग का मतलब क्या है कह सकते हैं कि वॉट वी हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, वॉट वी डू विथ वॉट वी हैव इज आवर गिफ्ट टू गॉड. वाओ, ब्रिलियंट. तो हम खुद देख सकते हैं कि वॉट कैन वी डू टू शेयर द स्पिरिचुअल ग्लोरी ऑफ इंडिया. सो प्रभु जी, अभी हम थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? तो मैं आपके क्वेश्चन दागूंगा, फिर आपको आंसर दागना है, तो टक 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 चलेगा एकदम. सो रैपिड फायर क्वेश्चन प्रभु जी, सो वॉट इज योर फेवरेट प्रस्थान? स्मूदी. स्मूदी, वैसे अभी हमने पॉडकास्ट है जस्ट पहले, वी हैड स्मूदी ऑफ एवोकाडो
and few other things. Green vegetables. Green vegetables. Nice. Okay, second is best place to relax for you. Radha Damodar Mandir in Vrindavan. Wow. Matlab it is a place where Prabhupada ka unhone apna foundation preaching kiya tha. Preparation kiya tha preaching ke liye. Yes. And best place to preach. Los Angeles. Los Angeles. वहाँ पे बहुत ही क्रिएटिवली क्रिटिकल पीपल होते हैं. अच्छा. वो हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है तो क्रिएटिव लोग हैं. ओके. पर उनका क्रिटिकल इटली देते सवाल पूछते हैं सो एंजॉयबल आंसरिंग देयर क्वेश्चंस. ओह वाओ लॉस एंजेलिस. अच्छा प्रभुदीप सो थिंग्स व्हिच यू आर प्लानिंग टू डू मतलब अभी आप नहीं कर पाए पर आपने सोचा ये मैं अभी तक क्यों नहीं कर पाया ये तो मुझे अब करना ही है. आई थिंक क्रिएट accessible, understandable spiritual encyclopedia online. पहले भगवत गीता के आधार पे, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा. And hopefully, not just me, many other spiritual teachers can come together. And then कैसे किसी को भी सवाल कोई है, तो वो सवाल वहाँ पे भेज सकता है, और उस field में जो expert है, वो उसको जवाब दे सकता है. So that's a dream. Wow, what a beautiful dream. अच्छा प्रभुजी, if you become the Prime Minister of India, so what three things you will focus on? Poverty, education, and spirituality. Wow. Who is your best friend? Shyamanand Prabhu, जो चौपाटी मंदिर के president है वो. Okay. One of the presidents. अच्छा. He is a very intellectual as well as caring person. तो हमारे बहुत intellectual chemistry है. Wow, amazing. अच्छा, one thing which you regret the most? I don't have a single musical gene in my body. I love to recite shlokas, but nobody likes to hear my recitation. Nobody. In fact, Shri Bhakti Siddhanta Maharaj, he also never led any kirtan. Why? He thought that he is not musical enough. But we see who he was. So certainly, what you are contributing to is very unique. And what is an ideal day for you? Speaking, reading, discussing, writing. Wow. Ye karna, that's an ideal day. Wow. Sara intellectual hai. Okay, what makes you most joyful? Playing with words and coming up with some creative ways of glorifying Krishna or conveying his message. Okay, wow. जैसे कि मेरा one of my favorite things which I have made is hold your plans lightly, hold your Lord tightly. Wow. Yeah. Be a part, be not apart. Be a part of Krishna, be not apart from Krishna. Apart from Krishna. Yes. Wow. ये 15.7 का translation एक तरह से. अच्छा. हमें वाम शो जीव लोके जीव तथानाथना मनुष्यश्चान इंद्रियाणि पक्तिस्थानि कर्षति. तो मेरा ऐसा hope है कि कम से कम भगवत गीता के 108 verses जो है वो ऐसे simple English सूत्रार्थ में translate करने का प्रयास करें. बॉलीवुड अगर आप देखेंगे व्यूअर्स ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स का जो टॉपिक प्रभु जी देते हैं ना उसी में ना वो दैट्स लाइक अ ज़िप फाइल ऑफ द होल आर्टिकल बट दैट इन इटसेल्फ इज लाइक अ कोट मतलब उसको लेकर के यू कैन हैव अ कोट वाओ द कोट ऑफ द डे फ्रॉम प्रभु जी. ओके प्रभु जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कुड स्टार्ट अ र्यूमर अबाउट योरसेल्फ व्हाट वुड इट बी. आई एम नॉट एज इंटेलेक्चुअली स्केरी एज आई लुक. ओके. Okay, so three qualities in a leader, which are a must for any leader. I think appreciate, correct, and observe. Appreciate, correct, and observe. Wonderful. Okay, if Krishna gives you one superpower, what would that be? Remembering people's names. Oh, great. इस श्लोक का याद करना आसान होता है लोगों के याद में. Okay. Okay, quality in you which defines you the most. Thinker. Wow. अच्छा, क्वालिटी इन अदर्स व्हिच डिस्टर्ब्स यू द मोस्ट. इंट्रूसिव इंस्ट्रक्टिवनेस. ओह, इंट्रूसिव इंस्ट्रक्टिवनेस मतलब वी डोंट नो द पर्सन एंड स्टिल यू गिव इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन. ओके. योर फेवरेट बुक? भगवद गीता. वाओ. सो आर यू अ विंटर पर्सन और आर यू अ समर पर्सन? एक्चुअली ये सवाल सुनने के बाद सोचा ही नहीं मैंने कभी. It depends. मेरे दिमाग में विंटर है समर है. So I really don't. I not thought about it. Okay. अच्छा, which food items you like the most? Salty or sweet? Salty. Salty. Okay. India or abroad? India for spiritual practice. Abroad for spiritual sharing. Wow, amazing. अच्छा, which life do you prefer? Smooth sailing or adventurous life? Adventurous. Adventurous. Wow. Okay. Where are you most focused? Daytime or nighttime? Daytime, early morning. Early morning. Yes, that is very ideal. In fact, thank you so much, Prabhuji, for coming here and sharing the words of wisdom. आपसे बात करते हुए तो ये समय मतलब कैसे बीता मेरे को तो खैर बिल्कुल पता नहीं चला. I wish we could just go on and on and on. In future also, we'll have more podcasts with Chaitanya Charan Prabhuji. इस बार तो हमने प्रभुजी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना and little bit about some of the problems which we are facing.
और भविष्य में हम प्रभु जी को बुलाएंगे फिर से पॉडकास्ट में, जिसमें हम सवाल लेंगे आप लोगों के जो डे टू डे लाइफ के हैं, अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट आर ओन स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स इन रिलेशनशिप्स। तो प्रभु जी ने इतनी सारी बुक्स जो लिखी हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ हमें दे देंगे, हमारा तो कल्याण इसी में हो जाएगा। सो बट यस, टुडेज पॉडकास्ट वाज टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू अ स्पिरिचुअल जीनियस, हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज डू गेट अ कॉपी फॉर योरसेल्फ फ्रॉम अमेजॉन, जो कि प्रभु जी ने ऑथर की हैं, वो चाहे जीके ऑफ पीके हो या ओ माई गॉड के ऊपर हो जो कि विच आर बेस्ड ऑन मूवीज, या फिर वो भगवदगीता पे हो। भगवदगीता बहुत सुंदर सुंदर रिफ्लेक्शन है प्रभु जी के, 365 रिफ्लेक्शन हो, बिलोंग हो, गेटिंग एन आई टू सी द आई, द आई, तो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर बुक्स हैं प्रभु जी की। सो इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। और अभी मैं जो अगली सीरीज जो मैं लेके आऊँगा, जैसे मैं सोच रहा था मे बी इट कैन बी 3 सेशन सीरीज, वाज ऑन री इनकारनेशन, उसके लिए आप डी मिस्टिफाइंग री इनकारनेशन उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पहले हम पढ़ करके तो उसमें से वीडियो निकालेंगे। तो बता रहे हैं हम चोरी कहाँ से करते हैं, ये इनके खजाने में से चोरी करते हैं हम। सो प्रभु जी के लेकिन प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे, हमारे गुरुजनों के प्रति, टीचर्स के प्रति ऋणी होना चाहिए हमें। और ऐसे स्पिरिचुअल जीनियस हमारे जीवन में है, ये हमारा सौभाग्य है। मतलब हम कह सकते हैं कि ओके, आने वाली जनरेशंस में हमारा सौभाग्य रहा कि वेन सच अ लीजेंड एग्जिस्टेड सो वी वर देयर इन दैट टाइम। सो ये हमारा सौभाग्य है। और आज प्रभु जी इस पॉडकास्ट में आए हमारे साथ में, सो ही शेयर्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट द प्रीचिंग इन द वेस्ट एंड अबाउट हिज ओन पर्सनल लाइफ, अबाउट हिज बुक्स एंड अबाउट हिज होल पर्सनैलिटी। सो प्रभु जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चैतन्य चरण प्रभु जी का। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर seeing how you take a small point and glorify it so much. Hare Krishna. Wow, aap se seekhne ka prayas karunga. Thank you. Hare Krishna.